तो हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन। और बच्चों ये कह रहा है, देखो एक डायग्राम नहीं बने और मैंने डायग्राम बना लिया है। और बच्चों ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक सर्कल और उसके बाहर भी एक और सर्कल, ठीक है। और ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट का एरिया मुझे गिवन है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा है कि अंदर का रेडियस फाइंड करो, ये वाला रेडियस। अच्छा मैंने बताया था ना आपको ये शेडेड पार्ट कैसे निकालते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखो पूरे बाहर के एरिया से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया 21, मैं बोलता हूँ बाहर वाला जो सर्कल है उसका मैं एरिया निकालूंगा तो सारा आ जाएगा अंदर का, ठीक है। और फिर मैं अंदर वाले यहाँ से यहाँ तक का रेडियस निकालूंगा इस वाले छोटे वाले सर्कल का, ठीक है। तो देखो अगर मैं बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दूं तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा, देखो ये ही वाला पार्ट। तो देखो अगर मैं इस पूरे वाले सर्किल से छोटा वाला सर्किल माइनस कर दूँ ना, यहाँ से अगर मैं सीजर से काट दूँ तो वही शेडेड पार्ट बच जाएगा मेरे पे। तो देखो मैं अभी करता हूँ इसको। तो सबसे पहले देखो जो एरिया है मुझे वो कितना गिवन है, 770 सेंटीमीटर। और मुझे इनर रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, इस एरिया निकालने के लिए जो शेडेड पार्ट होता है ना, ये वाला ये पार्ट निकालने के लिए क्या होता है, देखो एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, है ना। तो देखो ये आउटर सर्कल का एरिया और इनर सर्कल के एरिया मैं माइनस करूंगा तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो है ना अंदर का, ये होता आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो जब मैं ये कर दूंगा तो बच्चों ये मेरा आने वाला है, ठीक है। तो देखो ये मेरे को दे रखा है 770 इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल होता है πr², ये आर आउटर है तो मैं बड़े में आर कैपिटल लिख देता हूँ, माइनस छोटा है तो स्मॉल आर कर देता हूँ, और ये स्मॉल आर मुझको चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, पाई दोनों में कॉमन है तो मैं 22/7 में कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर r² जो बड़ा वाला आर है वो 21 का स्क्वायर, माइनस छोटा वाला आर है मेरे पे, छोटा वाला आर ही है ना। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ, 11 2 जा 11 7 जा, ठीक है। इसको मैं इधर फेंकता हूँ तो 7 7 जा 49, इस 2 को मैं नीचे फेंक देता हूँ 2। अब ये 21 × 21 होता है 441 माइनस r², ठीक है। इसको मैं काटता हूँ 2 2 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो ये बच्चों आ जाएगा 245 इक्वल्स टू 441 माइनस r². इस पूरे को मैं इधर फेंक देता हूँ तो देखो ये क्या आएगा, अगर 441 को मैं इधर फेंक देता हूँ पूरा तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा −196 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी −r², माइनस से माइनस कैंसिल, ये स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r, हो जाएगा मेरे पे √196। और जो 1 r आ गया मेरे पे वो अब कितना आ गया बच्चों, r जो आ गया वो कितना आ गया, ये होता है 14 सेंटीमीटर। तो देखो स्मॉल r आ गया मेरा 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये स्मॉल r यही तो चाहिए था मुझे और मेरा ये 14 आ चुका है। अब देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ बहुत इजी, देखो मैं जो क्वेश्चन करता हूँ ना मैं सोचता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से आए, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं देखो ये वाला, अब मैं एक सीजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़ा सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक छोटा सर्कल है। अब मैं बड़े वाले सर्कल से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक इस बड़े वाले सर्कल का एरिया पूरा सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिर्फ हाफ ये वाला है। तो इस पूरे वाले एरिया से जब मैं छोटे वाले सर्कल को माइनस करूंगा तो मेरा शेडेड पार्ट आ जाने वाला है। तो देखो मैं इसको काट देता हूँ, देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए बस। तो देखो मैं बताऊँ क्या है, बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल ही नॉलेज नहीं है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज करना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, ये देखिए ये ऐसा हो गया, ये देखो पूरा फट चुका है ये बीच से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर, तो देखो इस बड़े वाले पूरे सर्कल से जब ये छोटे वाला सर्कल माइनस करूंगा तो माइनस कर दिया तो देखो ये शेडेड पार्ट आ गया मेरे पे, ये देखो शेडेड पार्ट आ गया। और यही तो करा मैंने, देखो बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को माइनस किया, ये हटा दिया,
तो देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ गया, और यही ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये पहला पार्ट था, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसको बेचारे को मैं इसको किनारे रख देता हूँ, खराब हो गया।